नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, सभी का अभिवादन करती हूं। आज पहली बार मैं सलीम की बात करने जा रही हूं। अभी तक मैंने शबनम पर ही अपनी सारी वीडियो बनाई। मेरा कंटेंट जो था वो पूरा शबनम पर बेस्ड था। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। न जाने कितने कितने लोग प्यार में अंधे हुए, पागल हुए और प्यार पे कुर्बान हो गए, जान दे दी। वहां तक तो ठीक है, लेकिन प्यार के साथ साथ खून कर देना, प्यार के साथ खूनी हो जाना और उसमें साथ साथ खून कर देना, ये दिखाता है कि प्यार में अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में जो पत्थर पड़ते हैं सो तो है ही, लेकिन वो आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा देते हैं। ऐसी ही कहानी है सलीम की और शबनम की। जब सलीम की बात आती है तो शबनम का नाम आना लाजमी है। अभी अभी मैंने ये आपसे कहा था कि मैं अक्सर शबनम की बात करती हूँ, लेकिन सलीम की बात नहीं करती हूँ। लेकिन जब चूंकि अब सलीम का नाम आ रहा है तो शबनम का नाम आना जरूरी है। आज आपको एक जानकारी देना चाह रही हूँ जो एकदम ताजा है, फ्रेश है। आप हर दिन शबनम के बारे में अपडेट्स मेरे से पाते हैं। उसकी फोटो वायरल हो गई, उसको बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया, ब्ला ब्ला। कभी किसी को सलीम के बारे में बात करते हुए मैंने यूट्यूब पर या किसी और मीडिया पे कम सुना है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते थे, उनका बराबर का प्यार था और उनका बराबर का गुनाह है, और फिर सलीम की बात क्यों नहीं। मुझे लगा कि आज सलीम की भी बात करनी चाहिए। सलीम जिसे उसके घर वालों ने भी बिल्कुल भुला दिया है, यहाँ तक कि सलीम के घर वाले कहते हैं कि उनका इस नाम का कोई बेटा कभी नहीं था। ये नफरत की एक वो एक्सट्रीम जगह है जहाँ पर इंसान दुखी होकर के ना नफरत करने की स्थिति में रहता है और ना ही प्यार करने की स्थिति में रहता है। उसके सामने कोई चारा नहीं रहता, तो वो फिर उस सवाल का जवाब ऐसे ही देता है कि वो हमारे लिए मर चुका है। लेकिन वही सलीम जो इस समय नैनी जेल में है, वो अब शायर बन चुका है। जेल के अधिकारी उसकी गजलें सुनते हैं, उन गजलों में शबनम का जिक्र होता है। और जिस अखबार में शबनम की फोटो होती है वो उसके सीने से लगा होता है। ये बात अक्सर वहाँ पे काफी कही जाती है जिस जेल में सलीम है। इस पूरी कहानी की एक लाइन ये भी है कि सलीम अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था। उसने केवल 5वीं क्लास तक ही स्कूल देखा था, इसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन शबनम, शबनम ने DMA की हुई थी, पढ़ी लिखी थी, एंड जिस समय ये सब चीज़ें चल रही थी वो बाकायदा पढ़ाने का काम भी कर रही थी। मतलब उनकी पूरी फैमिली एजुकेटेड थी, एंड सलीम टोटली अनएजुकेटेड। इसके परिवार में भी लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो लाइन है ये इस कहानी में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर अगर सलीम पढ़ा होता, अगर सलीम की फैमिली पढ़ी होती, चलिए फैमिली को छोड़ दीजिए, अगर सलीम ही पढ़ा लिखा होता तो कहानी का आज इस तरीके से एंड नहीं होता। कहानी एक खूबसूरत तरीके से शुरू होती, लेकिन आज वो अनएजुकेटेड नहीं रहा, वो पढ़ा लिखा हो गया है। पढ़ा लिखा इन ए सेंस के उसके लिए बाकायदा जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उसे पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं। सलीम वहाँ किताबें पढ़ता है और अपना ज्ञान बढ़ा रहा है, और शबनम की याद में शायर तो वो हो ही गया है। अक्सर लोग मेरे वीडियोस में शबनम के लिए बहुत सारे कमेंट करते हैं, शबनम को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी का ये, उसकी सजा का ये,
वो हत्यारी नहीं है, वो हत्यारी है या नहीं है ये देखना कानून का काम है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में शबनम के लिए बेहद सिंपैथी है, और सलीम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता कि सलीम का भी गुनाह माफ किया जाए या सलीम को भी शबनम के साथ रख करके देखा जाए कि दोनों का बराबर का गुनाह है तो दोनों को बराबर की माफी भी मिलनी चाहिए। खैर, सलीम का यहाँ तक कहना है कि शबनम के हिस्से की सजा भी उसे मिल जाए। देखिए, ये भी प्यार की इंतहा है। प्यार में उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह तो किया ही है, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि जिसके कारण उनको सजा मिली है। लेकिन शबनम के हिस्से की सजा वो खुद पाना चाहता है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था ना कि जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार में अंधे हो जाते हैं, तो ये सलीम की जो ये ख्वाहिश है ये भी एक तरह से अंधेपन की ही एक ख्वाहिश है। शबनम के बारे में वो शायरी लिखता है और साथ ही कैदियों को सुनाता है। और मैंने इतनी सारी बात आपसे कर ली, तो ये भी जान लीजिए कि उस रात क्या हुआ था कि सलीम आज शायर बन गया। शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिल करके अपने पिता, माँ, भाई, उनकी पत्नी, भतीजी और भाई, जो छोटे भाई, और उनके छोटे बेटे को बड़े निर्मम तरीके से मार दिया था, ये इन्वेस्टिगेशन कहती है। सभी को पहले दवा दे करके बेहोश किया गया, उसके बाद अर्श को छोड़ करके बाकी सब लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। अर्श चूंकि छोटा था, इसलिए शायद सलीम का मन नहीं हुआ होगा उस पर कुल्हाड़ी चलाने का, और उसको वैसे ही मारा गया। लेकिन जब सलीम निकल गया तो अर्श रोने लगा। ये वो मोमेंट था जब शबनम डर गई और उसने दोबारा से सलीम को फोन किया कि तुम आओ, क्योंकि अभी एक बंदा बचा हुआ है, वो है अर्श। सलीम ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। ये बात आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये भी पता चलता है कि शबनम प्रेग्नेंट है, उसको 2 माह का गर्भ है। शायद ये भी एक वजह थी कि वो उसकी प्रेगनेंसी की बात पता नहीं उसने अपने घर में बताई थी या नहीं बताई थी। ये सब चीज़ें तो शबनम के और सलीम के ही पेट में पड़ी हुई हैं। लेकिन उस समय वो 2 महीने की गर्भवती थी, और जेल में रहते हुए शबनम ने 14 दिसंबर को एक फूल जैसे बेटे को जन्म दिया। अब देखिए, इस बेटे का पिता सलीम है, लेकिन सलीम ने आज तक अपने बेटे को नहीं देखा। वो बेटा शबनम के साथ तो 6 साल तक रहा, लेकिन सलीम ने आज तक अपने बेटे को नहीं देखा। तो दोस्तों, 2 प्रेमियों की मैंने बात आपके सामने रखी है। दोनों ही मेरी नज़र में भी और कानून की नज़र में भी बराबर के गुनाहगार हैं, और सलीम का भी हक बनता है कि वो एक बार अपने बेटे को देखे। हालांकि आई डोंट नो वो ये कितना संभव है, लेकिन सलीम ने ये इच्छा व्यक्त की है कि वो अपने बेटे को देखेगा। और उसने ये भी कहा है कि मैं शबनम से मिलना चाहता हूँ। इस तरीके की जो सयाफ्ता कैदी होते हैं उनकी फरमाइशें पूरी तो नहीं की जाती हैं, लेकिन 1% अगर, चूंकि वो उनकी फांसी तय हो गई है और अभी उसमें कई रिव्यू के स्टेप्स बाकी हैं, अगर 1% फांसी होती है तो वो अपने बेटे को ज़रूर देखना चाहेगा, और वो शबनम से भी ज़रूर मिलना चाहेगा। क्योंकि जिस दिन से ये खूनी खेल हुआ, उस दिन से शबनम और सलीम ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं।
हालांकि कहा यह भी जाता है कि शबनम भी सलीम के बारे में जब कोई बात चलती है तो बहुत अलर्ट हो जाती है, वो भी जानना चाहती है कि सलीम के क्या हाल चाल है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं सलीम से मिलूंगी। सलीम ये चाहता है कि एक बार वो शबनम से ज़रूर मिले, एक बार वो अपने बेटे से ज़रूर मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि पहली बार मैंने आपको सलीम की कहानी बताई है, उसकी इच्छा बताई है। क्या उसकी ये इच्छा जायज़ है शबनम से मिलने की, अपने बेटे से मिलने की? तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। आपको जस्ट सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और आप रेगुलर मेरे जो वीडियो हैं वो पाते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ आपको किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।